Excuse me, madam. Madam, autography. Madam, my autography. Please, my autography. बॉबी एक काम करो तुम यहीं रुको मैं भी आती हूँ अपना राउंड कंप्लीट करके लेकिन मैडम यहाँ पर तो काफी लोग हैं किसी ने घेर लिया तो मुश्किल हो जाएगी बॉबी वो देख वो सुपरस्टार शहनाया ना अरे तुम भी ना शहनाया जैसी इतनी बड़ी सुपरस्टार हम आम लोगों के बीच कैसे आएगी मैं शहनाया हूँ अगर मुझे दीवाना बनाना आता है ना तो उन दीवानों को अच्छी तरह से दूर रखना भी आता यहीं रुको ओके देख के नहीं जा सकते आप सॉरी बेटा मैं जानबूझकर नहीं टकरा है मेरा बैलेंस खराब हो गया था आई एम सॉरी इट्स ओके आपकी बॉटल थैंक यू बेटा थैंक यू क्या हुआ शहनाया मैडम आपको कुछ हुआ तो नहीं नहीं बॉबी कुछ नहीं हुआ एक बुजुर्ग से टकरा गई थी देखो वो अरे अभी तो यहीं थे देखो औरत तुझे क्या लगता है तू मुझसे लड़ेगी अगर मेरे माँ बाप के पास भी आए ना तो देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ मैं इस बंदूक से गोली भी निकल जाएगी और तुम्हारे हाथ में चाकू धरा का धरा रह जाएगा करेक्ट करेक्ट क्या हो मेरा मैंने बंदूक गलत पकड़ी है क्या क्या प्रॉब्लम हो शहनाया प्रॉब्लम मुझे आपके राइटर से है कैसा स्टूपिड इंसान है फिल्म की हीरोइन को चाकू दे दिया और विलन को गन ओहो बस इतनी सी बात है अरे भाई इस प्रॉब्लम को तो मैं भी सॉल्व के देता हूँ गुंडे के हाथ में चाकू दे देता हूँ और तुम्हारे हाथ में गन अब तो खुश हो जी नहीं अब मेरा मूड नहीं है बैकअप बैकअप अभी हुआ नहीं है शहनाया CID? आप मुझसे मिलने आए जी हाँ क्या किया शहनाया ने मर्डर मर्डर और मैंने मैडम बहुत भोली बन रही हैं आप एक लाजवाब अभिनेत्री जो है कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग मैंने किसी का खून नहीं किया है शायद आप भूल गई हैं मैं आपको याद दिला देता हूँ चोलन विला कॉम्प्लेक्स लोखंड वाला शाम 5 से 8 के बीच आप शायद वहीं थी क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग बकवास नहीं कर रहे हैं ठोस सबूत है हमारे पास लगता है स्कार्फ से ही गला घोटकर मारा गया इसे मेटालिक कॉलर एक मिनट री लाश को फॉरेंसिक भिजवा दो और देखो कोई भी निशान मिटने ना पाए हा? और आसपास कुछ मिलता है क्या देखो सर अच्छा सोहन जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी कुछ पता उसके बारे में आपको नहीं सर दोस्ती और दुश्मनी का तो मुझे नहीं पता सर अच्छा उनसे कोई मिलने आता था यहाँ पे सर वो शहनाया मैडम अक्सर आया करती थी और कभी कभी तो सर देर रात को भी आया करती थी शहनाया वो मशहूर एक्ट्रेस जी सर अच्छा वो यहाँ पे अकेले रहते थे या उनके साथ कोई और भी रहता था नहीं सर उनकी कोई भी फैमिली नहीं थी ये यहाँ सिर्फ अकेले ही रहते थे सर सोहन एक फिल्म प्रोड्यूसर थे सर ये देखिए ये अग्रीमेंट 2009 का है जो सोहन और शहनाया के बीच में हुआ था सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शहनाया ने इस पर सिग्नेचर्स क्यों किया जबकि उन्हें इस अग्रीमेंट से बहुत नुकसान हुआ होगा ये फोन सर हो सकता है ये सोहन का हो
और इस फोन से आखिरी कॉल शनाया को किया गया है। अच्छा ये बताइए कि आपने यहाँ पे किसी को आते जाते देखा क्या? सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन सर बाहर एक आदमी है, उसका कहना है सर उसने शनाया मैडम को आज भी यहाँ से बाहर जाते देखा था। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। उस शाम मैं अपनी डायरेक्टर फ्रेंड गौरी की फिल्म की स्क्रीनिंग में थी, मैक्सी थिएटर में। आप सोहन को जानती हैं? सोहन जी एक छोटे मोटे फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनके साथ मैंने एक फिल्म भी की थी। ये सिल्क स्कार्फ किसका है? ये स्कार्फ तो शनाया मैम का है, अभी एड फिल्म के दौरान ये तो पहना था इन्होंने। अच्छा तो आप लोग एक स्कार्फ के बलबूते पर मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। देखिए आप चाहें तो मैक्सी थिएटर के स्टाफ के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं और गौरी के साथ भी। पूछ तो हम लेंगे, लेकिन अगर आपकी बात गलत निकली तो मैम आप जेल जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आम आदमी हो या सुपरस्टार, हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर है। आप अपने दोनों हाथ स्कैनर पर रखिए। क्या है ये सब? खून का इल्जाम लगा के आप मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं? कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं कि मैं सोहन जी के घर गई नहीं हूँ, मानने को ही तैयार नहीं है आप लोग। शनाया, अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चलो बॉस, इस सोहन का गला किसी पेशेवर खूनी ने नहीं दबाया। तो फिर किसी ऐसे शख्स ने दबाया है जिसमें ज्यादा ताकत नहीं है। और ये देखो बॉस, इस मेटलिक कॉलर पर एक उंगली का निशान है। सोहन, देख जरा ये उंगली का निशान मैच होता है क्या? बिल्कुल। ये देखो बॉस, कॉलर पर जो उंगली का निशान मिला था वो शनाया की दाहिने हाथ की पहली उंगली से मैच करता है। सुना शनाया जी, आपकी उंगलियों के निशान मैच हो गए हैं। सोहन का खून तुमने ही किया है। झूठ है ये हो ही नहीं सकता। झूठ तुम बोल रही हो, सोहन के घर तुम गई थी। देखिए कुछ गलती है, आपसे कोई गलती हुई है जरूर, ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल झूठ है। उस गवाह ने तुम्हें सोहन के घर से जाते हुए देखा, क्या वो झूठ बोल रहा था? हाँ। तो बाकी के लोग झूठ बोल रहे हो, तुम सच बोल रही हो, हैं? प्लीज मेरी बात मानिए, मैं क्यों खून करूंगी और कैसे? उस वक्त मैं मैक्सी थिएटर में थी। एक और नया झूठ। मैक्सी थिएटर है? मैक्सी थिएटर। तो शनाया स्कार्फ से चेहरा ढककर आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग देखने आई थी? हाँ ऑफिसर, ना तो शनाया जी झूठ बोल रही हैं और ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ। वो 5 बजे से लेकर करीबन 8 बजे तक मेरे साथ मेरे ही पास वाली सीट पर बैठकर मूवी देख रही थी। और ये बात तो आप मैनेजर साहब से भी पूछ सकती हैं। हाँ मैम, मैं शनाया जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उन्हें पहचानने में भूल कैसे कर सकता हूँ। मैंने उन्हें थिएटर में आते हुए देखा था। मगर उन्होंने तो स्कार्फ पहना था, तो आपने उन्हें पहचाना कैसे? स्कार्फ तो उन्होंने मीडिया से बचने के लिए पहना था, उनके आने की खबर मुझे पहले ही हो गई थी। और जब मैं उनके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए गया तो उन्होंने स्कार्फ उतारा और मुस्कुराकर मुझे ऑटोग्राफ दिया। और कोई है जिसने शनाया को देखा था? जी हाँ, है एक लड़का, तुषार। जरा आओ। ये सर। मैम यही वो लड़का है जिसने शनाया मैम को बिठाया था। हाँ मैम, शनाया मैडम इसी थिएटर में फिल्म देखने आई थी, मैंने फोटो भी खिंचवाई है। ये देखिए, ये तो शनाया है। ये इंटरवल में या मूवी के बीच में कहीं गई थी? नहीं, वो मूवी खत्म होने तक वो गौरी मैडम के साथ ही बैठी थी। ये कैसे हो सकता है? शनाया एक साथ दो जगह पर कैसे मौजूद हो सकते हैं?
आप पर लगाए हुए खून के इल्जाम से क्या आप बाईस बरी हो पाएंगी? मुझ पे लगाए गए इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है, कुछ साबित नहीं हुआ है। हटिए आप लोग। लेकिन मैडम सोहन जी के घर में आपकी उंगलियों के निशान पाए गए हैं। आप सब तो जानते हैं ना कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। मेरी सक्सेस से, मेरी कामयाबी से जल के मेरे साथ ये साजिश खेली जा रही है। लोग मुझे बदनाम करके मेरा करियर बर्बाद करना चाहते हैं। क्या आप हटिए, प्लीज आप हटिए। मैं आ रहा है कि आपके प्रोड्यूसर ने आपको फिल्म से निकाल दिया है। नो कमेंट्स। हटिए आप। सोहन जी के साथ पुरानी दुश्मनी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि सीआईडी अपनी ड्यूटी 100% जिम्मेदारी से कर रही है और असली खूनी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और आपके प्रोड्यूसर ने आपको फिल्म से क्यों निकाल दिया मैडम? इसका तो जवाब है कि नहीं मैडम, प्रोड्यूसर ने क्यों निकाला आपको फिल्म से? गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलग ही चक्कर है ये सचिन, कुछ अलग ही चक्कर है। मगर क्या क्या हो सकता है सर? सोहन की शर्ट के कॉलर पे तो सनाया की उंगलियों के निशान मिले। हाँ मगर सचिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि जिस वक्त सोहन का खून हुआ, मतलब शाम के 5 और 8 बजे के बीच, उस वक्त शनाया गौरी फिल्म डायरेक्टर के फिल्म के प्रीमियर में गई थी और ये टिकट चेकर के साथ उसका फोटो भी तो है। और इसी गवाह की वजह से तो हमें शनाया को छोड़ना पड़ा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये शनाया एक ही वक्त दो जगहों पर कैसे? मुझे तो लगता है कि ये हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। सचिन, फोरेंसिक रिपोर्ट तो बताते हैं कि खून शनाया ने किया है, लेकिन जिस वक्त खून हुआ उस वक्त शनाया तो थिएटर में थी ना। सर हो सकता है किसी ने शनाया की उंगलियों के निशान चुरा लिए हो। हो सकता है, हो सकता है उंगलियों के निशान। सर सोहन और शनाया के बीच में तो झगड़ा भी चल रहा था, उसके पास मकसद भी था उसका खून करने का। मगर सचिन पूरी दुनिया जानती है इन दोनों के झगड़े के बारे में, फिर शनाया इतनी बेवकूफ भी तो नहीं कि सोहन के घर में घुसकर उसका खून करेगी। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अलग ही चक्कर है। और सर वो भी उसी स्कार्फ से, जो स्कार्फ उसने एक एड के शूटिंग पे पहना था। सर उस स्कार्फ की फोटो हर मैगजीन हर अखबार में छप चुकी है। सबूत कहते हैं कि शनाया ने खून किया है सोहन का, लेकिन गवाह कहते हैं कि सोहन का खून शनाया ने नहीं किया है। अगर ये खून शनाया ने नहीं किया है तो फिर खून किया किसने? मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं आप तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। अरे टेंशन कैसे ना लूं? सोहन का खून हो गया है, अगर हमारा भांडा फूट गया तो समझो मेरा करियर फूट जाएगा। मुझे हर वक्त लगता है कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है। नॉनसेंस, क्या बकवास है ये राहुल जी? मैडम ये बकवास नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का नोटिस है। चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं। कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ये? 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं आप? अरे उसमें से 2 फिल्मों की तो शूटिंग भी शुरू कर चुकी हूं मैं। और उन दोनों फिल्मों के टाइटल्स क्या है? एक का तो आज की अबला नारी और दूसरी का धर्म पत्नी। माफ कीजिए शनाया जी, सोहन जी के खून के बाद ये दोनों टाइटल्स आपके नए इमेज से मैच नहीं करते। एक्सक्यूज मी, इल्जाम लगाए मुझ पे, सिर्फ इल्जाम, कुछ साबित नहीं हुआ है। राहुल जी आप तो मुझे सालों से जानते हैं ना, आपको लगता है मैं किसी का खून कर सकती हूँ? फसाया जा रहा है मुझे। हो सकता है आप सही कह रही हो, लेकिन कहीं आपकी बेगुनाही साबित नहीं हुई और आपको जेल जाना पड़ा तो मैं तो मर जाऊंगा ना, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा मेरा। हाँ बोलो चंदर। क्या? मैं अभी देखता हूँ, टीवी ऑन करो। कहा जाता है कि मियां जी पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क करके एक ऑफिस में जाने ही वाली थी, एक कार ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी, जिसका नंबर है QC 66545 और ये कार है सुपरस्टार सनाया जी की। क्या
शनाया जी ही वो कार चला रही थी? क्या सोहन जी के बाद शनाया जी का अगला शिकार मियाँ जी है? देखते रहिए हमारा चैनल ताजा खबर। शनाया, तुम उस गाड़ी में थी? नहीं राहुल जी, मैं नहीं थी वहाँ। सीआईडी ऑफिसर्स? जी हाँ, मियाँ जी की मौत आपकी गाड़ी से हुई है। देखिए, मैं नहीं जानती मेरी गाड़ी वहाँ कैसे पहुँची। फिलहाल तो आप हमारे साथ क्राइम सीन पे चलिए, वहीं जाके पता चलेगा। चलिए। तब मैं गेट पे ही था जब मियां मैडम के चीखने की आवाज आई, तो फिर मैं यहाँ दौड़ के आया। और जब तक तुम यहाँ पहुंचे, खूनी मियां को कुचलकर गाड़ी यहीं छोड़कर यहाँ से भाग चुका था। हाँ साहब। तुमने देखा किसको बात कर? नहीं साहब। सर, मैंने इंक्वायरी कर ली, ये गाड़ी के पेपर्स ओरिजिनल है, गाड़ी सुपरस्टार शनाया जी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ठीक, तुम जा सकते हो। जी सर। लेकिन फ्रेडी, शनाया पर तो ऑलरेडी एक खून का इल्जाम है, मिस्टर सोहन का, पर अब एक और खून। शक की सुई शनाया जी पर ही अटक रही है, शायद सोहन और ये मियाँ एक दूसरे को जानते थे। आपके उंगलियों के निशान के साथ बहुत आसानी से मैच किया जा सकता है, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करना। देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। स्टोरी नरेशन खत्म होने के बाद मैं मुंबई के लिए 6 बजे निकली थी। अगर मैं मुंबई में 4:30 बजे थी नहीं, तो मैं मियाँ का खून कैसे कर सकती हूँ? फिर तो हमें कर्जत जाना पड़ेगा और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हेलो, वकील नहीं मिला जिसने शनाया और मिस्टर सोहन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था? क्या, एक मेकअप वाला? ठीक है। क्या हुआ सर? एक मेकअप वाले से चल के मिलते हैं, देखते हैं वो इस केस में क्या रंग भरता है। जी कहिए। आप मेकअप दादा काकू जी हैं? जी। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। जी आई साहब, लेकिन मैं अब काम नहीं करता सर। हम जानते हैं, बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सोहन और मियां के बारे में। आप सीआईडी ऑफिसर हैं, इसीलिए ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके मरने का कोई दुख नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सोहन और मियां इतने बुरे, इतने गिरे हुए इंसान है, एक ना एक दिन उसके पाप का घड़ा तो फूटना ही था। हमें सोहन के घर पर एक फटा हुआ अग्रीमेंट मिला जिसमें आप गवाह हैं और उस पर शनाया के साइन भी हैं। आप हमें कुछ बता सकते हैं उस एग्रीमेंट के बारे में? साहब, वो एग्रीमेंट नहीं था, सोहन का बिछाया हुआ जाल था, जाल। इसका मतलब शनाया ने वो एग्रीमेंट दबाव में आके साइन किया? हाँ साहब, सोहन, मियां और उसका तीसरा पार्टनर यही धंधा करते थे, नए कलाकारों को फिल्मों में काम दिलाते थे और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वो साइन कराते थे जिसके तहत जिंदगी भर कमा के खाते थे। ये तीसरा पार्टनर कौन है? ईशान, NRI है। ईशान से कभी मिले आप? नहीं साहब, मैं ईशान से कभी नहीं मिला, वो परदेश में रहता है साहब। सोहन और मियां तो मर चुके हैं, अब बचा है सिर्फ ईशान। हो ना हो, शनाया को फंसाने में इस ईशान का ही हाथ है। सुजय जी, थैंक गॉड आप यहां मिल गए। प्लीज इन लोगों को समझाइए कि मैं आपके साथ थी आपके फिल्म के नरेशन में। अब ये लोग मुझ पे PR मैनेजर मियां के खून का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन शनाया तो हमारे साथ स्टोरी नरेशन में थी, ये तो यहाँ से उस दिन 6 बजे चली गई थी। हाँ सर, इस यूनिट में 50 लोग हैं, आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। तुम कौन? सर, मैं इनका असिस्टेंट हूँ सर।
जब पूछा जाए तब अपनी चोंच खोलना, समझे? चुपचाप खड़े रहो उधर। सर, अब तो मान जाइए आप, अब 50 लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना आपसे। हाँ सर, उनके क्या? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ सर? मियाँ के चेहरे पर जो उंगलियों के निशान मिले तुम्हारे ही है शनाया, उंगलियों के निशान तुम्हारे ही है, समझी? मिस शनाया, अगर आप यहाँ थी तो आपके उंगलियों के निशान वहाँ कैसे पहुँचे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती वो निशान वहाँ कैसे पहुँचे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ थी, सच बोल रही हूँ मैं आपसे। वो तो हम पता लगा ही लेंगे तुम कहाँ थी। चलो मान लेते कि तुम यहीं पर थी और किसी ने तुम्हारी उंगलियों के निशान चुरा लिए, तो अब याद करके बताओ क्या कल तुम किसी के साथ चाय कॉफी या फिर फ्रूट जूस पीने गई थी या किसी के साथ बैठकर पिया तुमने? हो सकता है तुम्हारी उंगलियों के निशान उन चीज़ों पर आए हो, मेरा मतलब है ग्लास पर या कप पर। याद करो, कुछ हुआ कल ऐसे जिसकी वजह से तुम्हारी उंगलियों के निशान आ सकते किसी चीज़ पर? सोचो, अच्छी तरह से याद करो। वो अंकल जी, कल सुबह मैं जॉगर्स पार्क में जॉगिंग कर रही थी तो एक बूढ़े से अंकल जी आए और मुझसे टकरा गए, और फिर मैंने उनकी पानी की बोतल उठाई थी। उसकी पानी की बोतल तुमने उठाई थी? ओ अंकल, जॉगर्स पार्क, मुझे याद है वो जॉगिंग करके यहाँ से आ रहा था और ठीक इसी जगह मुझसे टकराया। अच्छी तरह से याद है मुझे। अगर वो बुजुर्ग आदमी यहाँ पे टकराया था आपसे तो उन लोगों ने कुछ तो जरूर देखा होगा। हाँ फिर चलो चल के पूछते हैं। आप इनको तो पहचानते ही होंगे। अरे साहब, ये तो सनाया जी हैं, इन्हें कौन नहीं पहचानता। ऑफ कोर्स, आपने इनको यहाँ जॉगिंग करते हुए देखा था 2 दिन पहले? ये जॉगिंग कर रही थी और एक बुजुर्ग आदमी आए और इनसे टकरा गए। हाँ साहब, टकराया था, मैंने देखा था, वो उम्र वाला आदमी था, सनाया जी से टकराया था और उसकी पानी की बोतल नीचे गिर गई थी, इन्होंने वो बोतल उठाकर उसको वापस भी की थी। सुना आपने, अब विश्वास हो गया आप लोगों को? अच्छा, वो बुजुर्ग आदमी आपको वापस दिखे थे इस पार्क में? नहीं साहब, उस दिन के बाद उस आदमी को इस पार्क में कभी नहीं देखा। कमाल है, एक दिन जॉगिंग करके गायब हो गया। जॉगिंग बस एक बहाना था, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर आप लोग वहां पर टकराए थे तो सीसीटीवी कैमरा में जरूर कुछ कैद हुआ होगा। अभी पता चल जाएगा कौन है वो आदमी जो शनाया को फंसाना चाहता है उसकी उंगलियों के निशान लगा। जल्दी प्ले करो। सर, शनाया के मुताबिक वो आदमी जानबूझकर शनाया से टकराया था और चलाकी से उसकी फिंगरप्रिंट्स उस बॉटल पे लिए थे सर। अब देखते हैं ना है कौन वो। एक रिपोरी पास कर। मेरे साथी को हम पहचानते हैं। आदमी को कैसे? सर, जिस वक्त हम सोहन के घर पे तहकीकात करने गए थे ये आदमी हमसे मिला था वहाँ पे। हाँ सर, जब सोहन का खून हुआ था तब इसी आदमी ने शनाया को सोहन के घर से बाहर निकलते हुए देखा था। इसी आदमी ने देखा था? क्या आप ही हैं जिसने शनाया को इस घर से बाहर जाते हुए देखा? जी, मैंने ही सुपरस्टार शनाया को सोहन के घर से बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा, आपका नाम? रमेश। रमेश, रमेश मतलब रमेश ने जॉगर्स पार्क में शनाया से टकराकर उसकी उंगलियों के निशान उठाए उस पानी की बोतल पर।
और फिर वही उंगलियों के निशान ले जाकर सोहन के शर्ट के कॉलर पर लगा दिए। और तो इस रमेश ने शनाया के खिलाफ गवाही भी दी। मगर सर, रमेश को यह नहीं पता था कि जिस वक्त सोहन का खून हुआ उस वक्त शनाया गौरी जी के फिल्म प्रीमियर पे थी। और सर, जब मिया का खून किया गया था तब शनाया को अचानक स्टोरी सेटिंग के लिए करजत बुलाया गया था। और अब तो इन दोनों का एक पार्टनर ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान आ रहा है, एनआरआई है वो। लेकिन अगर सोहन और मिया इन दोनों का खून हुआ है तो फिर जरूर जरूर इस तीसरे पार्टनर की जान को खतरा है, जरूर इस तीसरे पार्टनर की जान को खतरा है। रोको से हिंदुस्तान आने से। फिल्म निर्माता सोहन जी और उनकी पार्टनर फिल्म सितारों की मशहूर मैनेजर मिया जी की मौत, जो कि एक पहेली बन चुकी है, सीआईडी दिन रात उसे सुलझाने की कोशिश कर रही है, उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। मिया जी और सोहन जी के तीसरे पार्टनर एनआरआई मिस्टर ईशान जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया स्थायी हो चुके थे, आपको एक बार फिर मुंबई आ पहुंचे हैं। आइए उनसे करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। सर, आपके बिजनेस पार्टनर सोहन जी और मिया जी की अचानक मृत्यु हो गई, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आई एम रियली शॉक्ड, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आपका मुंबई आने का कारण बता सकते हैं आप? मेरा यहाँ का बिजनेस मेरे दोस्त सोहन और मिया संभालते थे, तो उनके बाद यहाँ के बिजनेस का क्या होगा, कैसे होगा, ये डिसाइड करने के लिए मैं यहाँ इंडिया आया। सर, हालांकि सीआईडी तहकीकात कर रही है, लेकिन इस मामले में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि शनाया जी ने ही इन लोगों का खून किया होगा? देखिए, मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहूंगा कि सीआईडी उन गुनहगारों को पकड़ लेगी, उनको सजा देगी। मेरा पूरा भरोसा है सीआईडी पे, बस इसके अलावा मैं और कोई कमेंट नहीं करना चाहता। थैंक यू वेरी मच, बस प्लीज। तुझे भी मरना होगा, मार डालूंगी तुझे भी, मार डालूंगी। पूरी अब तो हमारे प्लान के मुताबिक सचिन ईशान बन गया, मीडिया में इंटरव्यूज भी दे रहा है। खूनी को लगेगा कि यही एनआरआई ईशान है। सर, ने जाल तो अच्छा बचा है, खूनी वार करने सामने जरूर आएगा। शनाया? सर, शनाया पर हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं। कोई अजीब बर्ताव शनाया का? सर, अब तक तो नहीं। सर, मुझे लगता है शायद शनाया बेकसूर है। रमेश के बारे में और कुछ पता चला? सर, मिस्टर रमेश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर, लेकिन उनके बारे में ये पता चला है कि वो सोहन की सोसाइटी में जाकर अक्सर बच्चों के साथ खेला करते थे। क्या? रमेश सोहन की सोसाइटी में जाकर बच्चों के साथ खेलता है? बच्चों के साथ इस उम्र में? स्ट्रेंज। चौगस पार का वीडियो फिर से देखते हैं। सर, एक मिनट, पूरी पॉज करो, जल्दी उसके पैरों पर जाओ, जूम करो पैरों पर। सब देखो, इसके जूते देखो, क्या लगता है? सर, जूतों में क्या खास हो सकता है? खास ही तो है, ये जूते जॉगिंग के नहीं है, दौड़ने के जूते नहीं है, ये फुटबॉल खेलने के जूते हैं। फुटबॉलर्स इस्तेमाल करते हैं ये जूते। सर, मिस्टर रमेश जैसे बुजुर्ग आदमी इस उम्र में फुटबॉलर्स के जूते क्यों पहनेंगे? क्यों नहीं पहन सकता? नहीं खेलते होंगे इस उम्र में फुटबॉल रमेश जी, नहीं खेलते होंगे, पर फुटबॉल खेलना सिखाते तो होंगे।
अरे सुनो भाई, इसे देखा? ये तो हमारे रमेश सर है, फुटबॉल के कोच है। पहले हमारे यहाँ थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। कहीं स्पोर्ट्स क्लब में पार्ट टाइम जॉब करते हैं अभी। कहाँ रहते हैं? ये इधर विकास बॉडी में रहते। अगर मुझे पता होता कि इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा तो मैं ये काम कभी नहीं करता। बहुत हो गया ये। नहीं नहीं, अब मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ और पूछना मत मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? तो फुटबॉल के कोच है लेकिन लातों से ज्यादा हाथों का इस्तेमाल करते हैं। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। आप असली खूनी को पकड़िए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। रमेश जी, हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, आप हमारे समय की कदर कीजिए और सच्चाई बताइए। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ और उसके बाद आप मुझे एक बात बताइए। आप कह रहे थे ना कि आप निर्दोष हैं और मैं कहता हूँ कि आप निर्दोष नहीं है, क्योंकि जोगेश पार्क से शनाया की उंगलियों के निशान आपने लिए थे। जी, मैंने? जी, जोगेश पार्क में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से हमें पता चल चुका है। तो अब आप मुझे बताइए, अभी अभी आपने कहा ना कि जाकर असली खूनी को पकड़ो, राइट? तो मैं आपसे पूछता हूं कि असली खूनी है कौन? देखिए रमेश जी, अगर आप कुछ बताएंगे नहीं तो खून का इल्जाम आप पे लग जाएगा। इल्जाम लगेगा तो सजा भी आपको मिलेगी और असली खूनी हमेशा के लिए आजाद घूमता रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। वो मैंने मजबूरी में उसकी बात मान ली और शनाया के उंगलियों के निशान लेकर उसे दे दिए। कौन था वो? था नहीं, थी। वो एक औरत थी जो देर रात मेरे घर पर आई थी और पूरी रकम एडवांस में दे रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सुपरस्टार शनाया की उंगलियों के निशान लेने जैसा घटिया काम मैं करूँगा? क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में 1,50,000 रुपए एक साथ नहीं देखे होंगे। 12,230 रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में है फुटबॉल मास्टर, पैरों में तो दम ही नहीं रहा ना तुम्हारे। वैसे भी आजकल तो कोई अर्थी भी नहीं देता मुफ्त में। कहाँ मिलेगी ये शनाया? जोगेश पार्क, सुबह 7 बजे। इसका मतलब फिल्म प्रोड्यूसर सोहन के खून के बारे में आपको कुछ नहीं पता? जी नहीं, जब सोहन के खून का इल्जाम बेचारी शनाया पर लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी आप शनाया को बेचारी कह रहे हैं और उस वक्त आप ही ने उसके खिलाफ गवाही दी थी हा? लेकिन सर, ये भी बिल्कुल सच है कि मैंने शनाया को सोहन के घर से निकलते हुए देखा था। शनाया की उंगलियों के निशान जो रमेश जी ने उस बॉटल पर लिए थे, वो बोतल से सोहन के गले तक कैसे पहुंचे? खाना वापस फ्रिज में रख दो। क्यों मैडम? भूख नहीं है मुझे। मैडम, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आपने दवाई भी नहीं ली है। मैडम मैडम आपको डायबिटीज है, इतना टेंशन आपके लिए ठीक नहीं है। मैडम कुछ तो खा लीजिए ना। अकेला नहीं छोड़ सकती मुझे, लीव मी अलोन। शनाया, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, सो प्लीज रिलैक्स। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, तुम कैसे समझोगी? कोई नहीं समझेगा। हेलो, फिल्म प्रोडक्शंस। देखिए, वो आज रात आपसे नहीं मिल पाएंगे, आप बाद में कॉल कर लीजिए। थैंक यू। ये शनाया को क्या हुआ? वैसे तो बड़ी निडर और हिम्मत वाली बनती है, पर आज? मैडम बहुत ही मूडी है, कभी तो बहुत ही खुश हो जाती है और कभी बिना वजह डांट देती है, पर दिल की बहुत अच्छी है। Thank you.
लगता खूनी आ ही गया, मतलब अब हमला होने वाला है। देखना यह है कि वह हमला करता कैसे है। मैंने कहा ना तुमसे 9:30 बजे शनाया पेडर रोड पे थी। सर मैं भी कह रही हूँ सर, शनाया रात 9:30 बजे अपने घर में थी, अपने कमरे में सोने जा रही थी। पूर्वी ये कैसे हो सकता है, रात को 9:30 बजे शनाया पेडर रोड पे थी और उसने उस जहरीले बिच्छू से मुझे मारने की कोशिश भी की थी। ऐसा कैसे हो सकता है सर, रात 9:30 बजे शनाया अपने घर पे थी, उसने मेरे सामने खाना खाने से इनकार किया था और वो अपने कमरे में जाके सो गई। सर रात 9:30 बजे वो यारी रोड पे थी तो पेडर रोड पे कैसे हो सकती है सर? तो क्या पूर्वी मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं भी सच बोल रही हूँ। पूर्वी देखो बस बस, मुझे पता है कि 9:30 बजे तुमने शनाया को पेडर रोड पे देखा और तुमने भी शनाया को उसके ही अपने ही घर में देखा था। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है, यही तो मैं भी सोच रहा हूं, कैसे हो सकता है। सर हमारे पास उसके खिलाफ भी सबूत है और उसके पक्ष में भी सबूत है, एक ही लड़की दो जगह कैसे रह सकती है सर? हम शक्ल, शनाया की हम शक्ल। शनाया को बुलाओ ब्यूरो में। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, हो क्या रहा है ये बिल्कुल मेरी फिल्मों की कहानी जैसा है। मेरी हमशक्ल? एक बात बताओ शनाया, जब तुम फिल्मों में कोई एक्शन सीक्वेंसेस करते हो, मेरा मतलब है कभी जंप मारनी है या फाइटिंग वगैरह करनी है, तो उस वक्त ये सब तुम खुद करती हो? जी नहीं, वो तो मेरी बॉडी डबल करती है। बॉडी डबल करती है ना, एक कोई ऐसी लड़की जिसकी बॉडी बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो, शायद उसकी हेयर स्टाइल भी तुम्हारी जैसी हो, मगर शायद उसका चेहरा तुम्हारे जैसा ना हो, क्यों? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इसकी तो शक्ल भी मेरे जैसी है। कौन है ये हमशक्ल जिसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है? तुम्हारी कोई जुड़वा बहन तो नहीं? मेरी कोई बहन नहीं है। जो भी है, लेकिन कोई तो है जिसके लिए इस रमेश ने तुम्हारी उंगलियों के निशान लिए और उसे दे दिए, कोई तो है। कौन है ये, कौन है जो मुझे इस तरह बदनाम करके मेरा करियर बर्बाद करना चाहता है? पागल हो जाऊंगी मैं। बहुत जल्दी वो हमारे हाथ में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, घर जाओ और आराम करो। और एक बात, अगर घर से कहीं बाहर जाना चाहती हो तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना, कहां जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, ठीक है? जी, थैंक यू। अब क्या करें सर, ये केस जहां से शुरू हुआ था वापस आकर वहीं पे अटक गया है सर।
अब आई बात समझ में। सुपरस्टार शनाया, कौन है तुम? मैं आपको मारकर आपके लाखों फैंस के दिलों को तोड़ने नहीं आया हूं। मैं तो यहां पर सिर्फ दो चीजें लेने आया हूं, एक आपका ऑटोग्राफ और दूसरा कुछ लाख रुपए। रुपए? रुपए क्यों? क्यों रुपए? अपना मुंह बंद रखने के लिए। आप जब मियाँ की मौत की प्लानिंग कर रही थी तो मैं वहीं था। मैंने सब कुछ सुना भी, देखा भी और रिकॉर्ड भी किया। जाओ, बचाओ। हिलना मत, सीधा शमशान घाट पहुंच जाओगे, समझे तुम? एक साथ दो दो शनाया? वहां क्या देख रहे हो? असली शनाया मैं हूं, वो मेरी जुड़वा बहन मेघना। मेघना? लेकिन रज्जो, संभाल उसे। मैडम, मैडम शांत हो जाइए। मेघना, जितना जानना था उससे बहुत ज्यादा जान चुके हो तुम, और जितना जीना था उससे बहुत ज्यादा जी चुके हो। अब मैं तुम्हें रज्जो लेके जाओ उसे कमरे में, नींद का इंजेक्शन दे दो। मेघना जी तो अपने कमरे में जाएंगे, लेकिन आप जेल जाएंगे। सीआईडी? शनाया और मेघना, मेघना शनाया, वो क्या कहते हैं आपकी फिल्मी भाषा में, कहानी में ट्विस्ट? ना ना ना, आप अपने बारे में सोचिए मैडम, इनका ख्याल तो सीआईडी रखेगी। ले चलो इनको। मेघना जाओ इनके साथ। गुड जॉब, ट्रेनी ऑफिसर हो लेकिन एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। थैंक यू सर। सर, ये सब आपकी चाल थी? क्यों, चाल से तुम चल सकती हो? आपको क्या लगा अपनी जुड़वा बहन का सहारा लेके सीआईडी को गुमराह कर देंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? शनाया जी, आप खूबसूरत हैं, चालाक और शातिर भी हैं, लेकिन आपके अंगूठे के इस छोटे से घाव ने आपको फंसा दिया। असली शनाया और नकली शनाया, यानी कि मेघना का पर्दा फाश हो चुका है। तो खून तुमने किए, लेकिन फिल्म के प्रीमियर में और गर्जत वाली स्टोरी सेटिंग में तुमने अपनी जगह अपनी बहन मेघना को शनाया बना के भेज दिया, ताकि किसी को तुम पे शक ना हो, क्यों? मैं मेघना को अपनी जगह बाहर भेजती थी ताकि वो मेरी निर्दोष होने की गवाह बन सके। बाहर जाने से पहले मैं उसे दवाई खिलाती थी जिसका असर उस पे कुछ घंटों तक रहता था। इसी दौरान मैं अपने दुश्मनों से बदला लेती थी। उस दिन जोगेश पार्क में रमेश ने मेरे ही कहने पर मेरे उंगलियों के निशान लिए। मैं तुम्हें एक पानी की बोतल दूंगी। तब तुम्हारे अंगूठे पे घाव नहीं, लेकिन मियां के चेहरे पे तुम्हारे खून भरे उंगलियों पे निशान थे जिसमें तुम्हारा अंगूठा कटा हुआ था, और उसी समय हमें तुम पे शक हुआ।
अपनी बीमार जुड़वा बहन का इस्तेमाल किया तुमने। क्यों मारा तुमने सोहन और मियां को? लालची दरिंदे थे दोनों, मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी थी उन्होंने, भाई भाई के लिए मोहताज कर दिया था। ऐसा क्या किया था उन लोगों ने? वो दोनों मेरी माँ को फिल्मों में कैरेक्टर रोल दिलाते थे, उनके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके कारण जिंदगी भर मेरी माँ को उनके हिस्से का 30% देना पड़ा। तो क्या हुआ, वो लोग अपना कमीशन ही तो ले रहे थे, हमारी माँ को काम ही तो दिलाते थे वो लोग। लेकिन जो काम मेरी माँ को अपने बलबूते पे मिलता था उसका भी हिस्सा मांगते थे। इसी घुटन में मेरी माँ ने आत्महत्या कर दी और फिर उन्होंने मेरे साथ भी ठीक वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और जब उन्होंने तुम्हारी कामयाबी का फायदा उठाने की कोशिश की तो तुमने उनका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ डाला और उन्हें मार दिया। सिर्फ ये वजह नहीं थी, उन्हें मेरी बहन मेघना के बारे में भी पता चल गया था, बीमार बहन मेघना जिसको मैंने और अपनी मेरी माँ ने सालों तक दुनिया की नजरों से बचा के रखा, वो उसे मीडिया के सामने लाना चाहते थे। क्या होगा मेघना का? उसका तो इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, क्या होगा उसका? ये तो तुम्हें खून करने से पहले सोचना चाहिए था। मेघना का ख्याल तो रखा जाएगा ही, लेकिन तुम्हें शायद फांसी होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.